नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की। गरियाबंद जिला मुख्यालय से में जिले में सर्वे विभाग के संविदा कर्मचारी द्वारा 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना गरियाबंद के हृदय स्थल गांधी मैदान में दी जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि नियमितीकरण को लेकर है। छत्तीसगढ़ सरकार संविदा कर्मचारी द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं अगर मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा जो है अपने 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारे शासन से जो है सभी संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है, जब हड़ताल में हम पहले रहते थे तो अपनी पंडाल में हमारे आके वो जो है 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण के वादे किए थे। आज वादे किए थे, उसके उपरांत जो है सत्ता के लिए घोषणा पत्र में उन्होंने हमारी मांगों को रखा। आज जो है 4 साल बीत गए हैं, केवल जो है विभाग खाली जानकारी ही मंगा रही है, किंतु सरकार द्वारा उचित कदम आज पर्यंत तक जो है उन्होंने नहीं लाया गया है। इसलिए जो है हम 5 दिवसीय हमारा हड़ताल जो है पुनः शासन को जो है यह बताने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे इस 5 दिवसीय हड़ताल में जो है 5 दिवसीय हड़ताल में जो है विभिन्न प्रकार के जो है एक्टिविटी हमारे संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और शासन को जो है उनको याद दिलाया जाएगा। सर, हम संविदा कर्मचारी हैं और हमारे द्वारा पहले भी इस बारे में निश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके द्वारा घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सरकार आने के 10 दिन के बाद हमारे जो संविदा है उनको नियमितीकरण किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया। 1 साल बाद के लिए कहा गया, परंतु उसके बाद भी नहीं किया गया। अब पुनः चुनाव आने की स्थिति है, परंतु अब तक कोई भी ऐसा कार्यवाही पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हम पुनः हड़ताल पर बैठे हैं ताकि हमारी मांगों को दृष्टिगत करते हुए इसको पूरा किया जाए। रहेगा और ये धरना जो है अभी हमारा 5 दिन तक रहेगा, और यदि इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होगी तो हम इसमें फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिमा साहू नाम है मेरा। मैं संकाय सदस्य हूँ, जिला पंचायत संसाधन केंद्र गरियाबंद।